गाइस यार आज मैं कुछ भी इंट्रो वगैरह कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ ज्यादा। बस ये समझ लो कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ जो कि हमारे हार्डकोर सीरीज की। उसके लिए यार मुझे अपने सर्वाइवल सीरीज को एंड करना पड़ेगा। इस पे मुझे स्टार्टिंग में इतना ज्यादा सपोर्ट कभी भी नहीं मिला, बट हाँ बाद में बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था इसमें, बट आप लोग को ये इतना ज्यादा पसंद नहीं आया तो मुझे इस सीरीज को एंड करना पड़ रहा है। मुझे इस सीरीज में बहुत सारी मेगा मेगा चीजें बनानी थी जो कि मैं नहीं बना पाया और उसको मैं यहाँ पे हार्डकोर सीरीज में बनाऊंगा। बट हाँ जो हार्डकोर सीरीज रहेगी उसको देखने में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो एक लास्ट टूर मैं आपको अपने वर्ल्ड का यहाँ पे देने वाला हूँ, छोटा सा टूर है। वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। मैं जानता हूँ बहुत कम लोगों ने मेरे सर्वाइवल सीरीज को एंड तक देखा है, और जिसने भी देखा है ना उसको मैं काफी ज्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और एक चीज और बता दूं कि इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं उनको मैं यहाँ पे चैनल से प्राइवेट करने वाला हूँ। उसका रीजन ये है कि जब भी मैं अपना चैनल खोलूंगा और इस सीरीज को देखूंगा तो एक काइंड ऑफ इमोशनल हो जाऊंगा मैं, क्योंकि इस सीरीज में जो एक एक चीज बनी है ना, मैं स्वेयर करके बोलता हूँ एक भी चीज आपको क्रिएटिव से बनी हुई नहीं मिलेगी। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले ट्री की। जब मैंने वर्ल्ड बनाया था ना तो इस यानी मैंने पूरा जंगल, ये आपको जो एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, मैंने सारा का सारा जंगल साफ कर दिया, लेकिन एक ट्री को मैंने कभी तक नहीं तोड़ा। ये इस ट्री को मैंने पता नहीं क्यों बचा के रखा, बट मैंने इसको बचा के रखा। और ये है हमारा सबसे पहला घर जो कि अब विलेजर का धर्मशाला बन चुका है, इसको मैंने विलेजर्स को डोनेट कर दिया। और ये रही हमारी सबसे पहली माइन जिसको मैं अभी तक पर्सनली यूज करता हूँ। और ये रहा हमारा खेत जहाँ पे किसी ने ट्रैक्टर चला दिया, ट्रैक्टर वैसे मेरा मतलब रेबेजर यहाँ पे चला तो उसने पूरी फसल बर्बाद कर दी, ट्रैक्टर ही हो एक तरीके से। और ये है हमारे विलेजर ट्रेडिंग हॉल, इन सबको भी हम यहाँ पे बाय कहने वाले। यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग लगा, मैंने हर एक जगह पे इंडियन फ्लैग लगाया था 15 अगस्त को। और मेरा सबसे फेवरेट बिल्ड वो इंडियन फ्लैग के सामने जो आपको वो कासल दिख रहे हैं ना, कासल के ऊपर जो गुम्बद लगी है वो मेरा सबसे फेवरेट बिल्ड है, वो मैंने खुद की क्रिएटिविटी का यूज करके बनाया है। ये रहा हमारा बीफ फार्म और इसके सामने है यहाँ पे आयरन फार्म। मैंने यहाँ पे बहुत से मेगा प्रोजेक्ट सोचे थे जो कि मैं नहीं बना पाया, बट हाँ मैं आपको वादा करता हूँ हार्डकोर सीरीज में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और मेरा एक और जो सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोजेक्ट है वो है ये अभी तक मुझे नहीं लगता कि माइनक्राफ्ट में किसी ने बनाया है इतना जाइंट। वैसे बनाए काफी सारे लोगों ने बीकन वाले प्रोजेक्ट, बट मुझे नहीं लगता किसी ने ये वाला बीकन का प्रोजेक्ट बनाया है। और इसको मैं यहाँ पे हार्डकोर सीरीज में भी पक्का बनाने वाला हूँ। इसको ऑन करते ही मेरा गेम थोड़ा सा लैग कर जाता है। ओके हाँ अभी ऑन हो चुका है। ये देखो ये नाइट में देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगता है अगर आपको देखना है ना तो ये। और एक तो अगर कोई बोलेगा ना कि मैंने 100 वेदर को यहाँ पे क्रिएटिव वगैरह कुछ यूज करके ले लिए होंगे बीकन्स वगैरह, तो मैंने इसको ऑन द लाइव स्ट्रीम बनाया, पूरा का पूरा ये जो प्रोजेक्ट है पूरा लाइव स्ट्रीम में बनाया। लाइव स्ट्रीम में जाके चेकआउट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो मैं इसकी एक सर्वाइवल वीडियो भी बना दूंगा लाइव स्ट्रीम से एडिट करके। और ये रहा हमारा क्रीपर फार्म, ये रहा हमारा कब्लस्टोन फार्म जिसने हमें हमारे जितने भी बड़े बड़े मेगा वर्ल्ड हैं इसी के वजह से पॉसिबल हुए हैं, क्योंकि इसने हमें काफी ज्यादा स्टोन वगैरह दे दिए थे। और ये रहा हमारा आयरन फार्म, इससे मुझे काफी ज्यादा आयरन मिला है काफी ज्यादा, मतलब ये देखो ये काफी ज्यादा नहीं है अभी, ये देखो। और जो आपको पूरा का पूरा वो आयरन वाला फ्लैग दिख रहा है ना, पूरा का पूरा आयरन वाला फ्लैग नहीं मतलब फ्लैग दिख रहा है ना, वो पूरा पूरा देखो आयरन का प्लेटफॉर्म से बना हुआ है। और हाँ यार ये वाला प्लेटफॉर्म तो मुझे याद आया जहाँ पे मेरा लाइव स्ट्रीम में पोपट हो गया था। एक कितना ज्यादा लैग मार रहा है, यहाँ पे मैं वेदर को मार रहा यार, कितना ज्यादा लैग कर रहा है ये गेम, क्या हो गया पता नहीं क्या इशू जा रहा है फिलहाल तो। ओके मैं अपने फार्म की तरफ यहाँ पे आ चुका हूँ, इतना ज्यादा लैग नहीं मैं नहीं झेल सकता, मेरा कंप्यूटर क्या इशू हो रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है शायद लाइटर यूज करने की वजह से ऐसा हो रहा है मेरे हिसाब से। और ये रहा हमारा फार्म, यहाँ पे हमें काफी ज्यादा गार्डियंस वगैरह मिलते हैं, इस फार्म से गार्डियन स्पॉन होते हैं, वो नेदर में जाके मर जाते हैं और उनकी लूट हमें नेदर में जाके कलेक्ट होती है। चलो मैं लूट वाला सिस्टम आपको नेदर में चल के दिखा देता हूँ। और एक बात बताऊं, ये फार्म्स मैंने उस टाइम बनाए हैं जब मेरे पास इलाइट्रा वगैरह भी नहीं था, बिना इलाइट्रा के बनाना इनको काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक मॉब स्पॉन हो रहे हैं यहाँ पे, मुझे सोने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ पे। ओ नहीं नहीं नहीं, क्रीपर क्रीपर क्रीपर, सीधे यहाँ पे लैंड करो, बच गया भाई। ओ यहाँ पे काफी सारे बेड खाली हैं। चलो अभी हम निकलते हैं फटाफट से यहाँ पे नीदर की तरफ पे। ओके ओ
ओके, मुझे लगा भाई यहाँ पे कौन आ गया, क्रीपर व्रीपर लगा मुझे तो। और यहाँ पे भी हमारे कुछ विलेजर भाई साहब अपना बसेरा डाल के रखे हुए हैं। चलो अभी मैं चलता हूँ आपको गार्जियन फार्म की लूट दिखाने के लिए, जो कि यहाँ से थोड़ा ही दूर है। बस ये रहा वो एरिया, यहाँ पे हमारे जितने भी गार्जियन आते हैं वो सारे मरते हैं और उनकी लूट यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाती है। चलो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। ये देखो पूरा का पूरा ये भरा हुआ है, इससे हमें पूरा का पूरा लूट मिलती है। आई थिंक और कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। और अभी मैं सीधा चलता हूँ आपको हमारा गोल्ड फार्म दिखाने के लिए। नेदर आए हैं तो नेदर के सारे फार्म एक्सप्लोर करके चलते हैं। ओ ओ ओ, ओ नहीं, 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 बच गया। आज हम चलते हैं, चलो हम वहां पहुंचे, हम ये कर सकते हैं। हम कहाँ जाएंगे गोल्ड फार्म, हम कहाँ जाएंगे गोल्ड फार्म। क्या देख रहे हो भाई, अपना काम करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे हमने तोड़ा था बेड रॉक को, एक बार नहीं दो दो बार तोड़ा था यहाँ पे। और ये रहा हमारा गोल्ड फार्म जिससे हमें काफी ज्यादा लूट मिलती है यहाँ पे। वैसे तो रियलिटी में इतनी भी ज्यादा कुछ खास लूट नहीं मिलती है, बट हाँ मिल जाती है। और यहाँ पे बेसिकली बस हमें ऑफलाइन बैठना और यहाँ से हमें एक्सपी और लूट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो मरना स्टार्ट हो गया यहाँ पे आके, बस थोड़ा सा डिले चलता है। ये देखो आना स्टार्ट हो गए, चलो 191 तो करके जाते हैं। और ये लो 191 हो गई है, यहाँ से कूदते हैं और सीधा भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ हमारा यहाँ पे विदर स्केलेटन फार्म। वैसे उसकी मुझे लोकेशन अच्छे से याद नहीं है किस साइड था यहाँ पे, मेरे हिसाब से शायद था किस साइड था। चलो चल के देखते हैं, पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। वैसे वेदर फार्म की आप वीडियो देख लेना, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट याद नहीं है, मैंने किसी कॉपी में लिखे थे। और अगर अभी मैं यहाँ पे वैसे चला जाता हूँ, मैं वीडियो में देख लेता हूँ कोऑर्डिनेट कहाँ पे थे। वैसे गाइस वो फार्म यहाँ से ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही दूर है भाई, क्या बताऊँ मैं, इतनी देर से ट्रेवल कर रहा हूँ, पूरे रॉकेट खत्म हो जाएंगे लगता है मेरे। लाइट तरह की हेल्थ तो है ना अभी, हाँ बहुत है अभी। वैसे वहां जाके मैं रिपेयर भी कर लूंगा यार, इतना क्यों रो रहा हूँ। और वेट, मुझे लगा नीचे कोई पोर्टल है यार, मुझे भ्रम हो रहे हैं भाई यहाँ पे, नेदर के अंदर भ्रम होते हैं बहुत ज्यादा। ओके मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, आई थिंक यस यही है हमारा फार्म। ओ गया नहीं बचा, ओ अभी 200 एक्सपी चली जाती पूरी की पूरी। क्या मैं लैंड कर पाऊंगा, यस 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 यस, ओ आ गया फाइनली आ गया। बस मुझे यहाँ पे खड़े रहना है और यहाँ से एक्सपी कलेक्ट करनी है बस। ये देखो विदर स्केलेटन आना स्टार्ट हो गए, बस इनको मारना है और ये विदर हेड वगैरह ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर खड़े रहता हूँ, पहले बहुत सारे हो जाने देता हूँ मैं, फिर इनको मारता हूँ यहाँ पे। हाँ अभी मारता हूँ, अभी शायद थोड़ा सा चांसेस ज्यादा रहेंगे। वैसे मेरी शॉट में यहाँ पे लूटिंग 3 लगी है, तो मुझे यहाँ पे इजिली विदर हेड मिलने के काफी ज्यादा चांसेस है। वेट, मेरी इन्वेंटरी में जगह खाली थी और मुझे यहाँ से 13 विदर स्केलेटन हेड मिल चुके हैं। वाओ, ऐसे 13 रखे थे मेरे पास पहले से कि मेरे पास आ गए हैं। बोन ऑफ क्लॉक, क्या हो रहा है मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, क्या मुझे ध्यान नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना यार वीडियो में देख के। ओके तो चलो अभी मैं चलने वाला हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक जगह, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एशियन सिटी। अब एशियन सिटी में आपको देखो वार्डन को मार के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जाते जाते 2-3 वार्डन को तो मैं चटका ही जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ। हेलो सर, मैं जा रहा हूँ घर के अंदर सोने के लिए, सुबह आता हूँ यहाँ पे। मुझे इसको भी चीज मजाक में लग रही है ना, मैं 2-3 वार्डन को निपटा के आने वाला हूँ। तो भाई अभी देखो आप वीडियो में कैसे 2-3 वार्डन को मार के आता हूँ अभी। व्हाट आर यू डूइंग मैन, मेरे मारने से पहले ही मर गए यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे तो काफी ज़रा गन पाउडर पड़ा हुआ है, पता नहीं भून मिल इतना ज्यादा पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं इसका करूंगा क्या यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, यहाँ से मैं काफी सारी सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से TNT बनाने के लिए। आज तो तेरा भाई TNT से वार्डन को फोड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से इतने TNT काफी होंगे वार्डन से फाइट लेने के लिए। चलो फटाफट से चलते हैं एशियन सिटी। ये आ चुके हैं हम एशियन सिटी की गुफाओं की तरफ और यहाँ से मुझे एक परफेक्ट लैंडिंग लेनी पड़ेगी। ओके ओके ओके, कहाँ किस साइड थी यार एशियन सिटी, मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। आई थिंक इस वाली केव में थी क्या, शायद तक लग तो मुझे ऐसा ही रहा है। ओ हाँ इस वाली केव में ही थी। ओके मिल चुकी है। ओ नहीं 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 नहीं, निकल लो निकल लो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, जितना दूर हो सको उतना निकल जाओ यहाँ से। अभी थोड़ा सा राहत मिली। ओ डायमंड, 4 डायमंड, लेट्स गो यार। ओके मिल चुकी है मेरी जगह यहाँ पे, बट मुझे यहाँ से थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा और अभी मुझे यहाँ पे साउंड करना है ताकि वार्डन स्पॉन हो सके। नहीं 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 सर, ऊपर चलो यहाँ से। यस मैं आ चुका हूँ, लेट्स गो। यहाँ पे मैंने काफी सारी कारपेट इसलिए बिछाई है, ठीक है। अभी देखना है वार्डन यहाँ पे आके ट्रैप होगा और देखना उसको मैं कुत्ते की मौत मारूंगा यहाँ पे। ओके आई थिंक वार्डन आ चुका है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो। यहाँ पे मेरे पास स्पाई ग्लास नहीं है, वरना मैं आपको अच्छे से दिखा देता नीचे वार्डन है वहाँ पे। चलो भाई अभी आवाज सुनना वार्डन के मरने की।
आवाज आ रही है? मर गया आई थिंक। ओके वंडरफुल केव में निकला हूँ मैं यहाँ से, वंडरफुल लोगों के बीच में। ओ नहीं बच गया। ओ भाई बहुत ज्यादा हार्ट जा चुके हैं। ओ भाई यहाँ तो पार्टी चल रही है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। कितनों से लड़ूंगा मैं यहाँ पे? ओ भाई कुछ ज्यादा ही गंदी पार्टी चाटी नहीं चल रही क्या यहाँ पे? ओ नहीं 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 आई थिंक अभी मैं यस फाइनली लैंड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कोई मॉन्स्टर, वेट थोड़ा सा इस साइड होता हूँ तो मैं कब का लैंड के ऊपर आ जाता भाई? यहाँ पे सीधा मैं माउंटेन चढ़ के आ रहा हूँ यार। ओके गाइस तो फाइनली हम अपने कासल की तरफ आ चुके हैं। अरे यहाँ पर तो मौसम कुछ अलग ही चल रहा है। अभी बारिश बंद, फिर बारिश। वाह क्या मौसम है, यानी माइनक्राफ्ट के लॉजिक ही अलग है। वेट मैं अपने कासल के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे, और हाँ आपको लगे हाथ कासल का भी टूर यहाँ पे दे देता हूँ मैं। कुछ ज्यादा ही हेलो स्केलेटन मेरी तरफ आ रहा है क्या? हेलो यहाँ पे हूँ मैं, ये देख पास ही जाना पड़ेगा लगता है। ये देखिए ओ भाई कुछ ज्यादा ही डैमेज दे रहा है यहाँ पे। खुल जा गेट, ग्रिल खुल जा, बंद हो जा। ये देखो यहीं पे तड़प के मरेगी अभी। ओके बेटा मर अब तू यहीं रहेगा। वैसे देखता हूँ फंसा ही कि नहीं फंसा। फंस गया। चलो कोई नहीं, बहुत मजे ले लिए इनसे। चलो भाई फटाफट से चलते हैं। और हाँ जाने से पहले लास्ट बार मैं अपनी सारी कैटों से यहाँ पे एक बार मिल लेता हूँ। तो मेरे पास अब एक कैट कमरी जो कि विच वाली कैट है, बाकी सारी कैट मैंने यहाँ पे ला ली। और मेरी यहाँ पे दो फेवरेट कैट हैं, उनको तो मैं खास तौर पे यहाँ पे बाय बोल के जाऊंगा। और मेरी दो कैट कहाँ गई यहाँ पे? हेलो पता नहीं कहाँ गई, वैसे तो मैंने यहीं पे बैठा ला था इनको। तू नीचे क्यों बैठी? ऊपर बैठ, ऊपर। हाँ इस तरीके से इनको एक पर्सनल बेड दिया मैं। अच्छे से बैठो यार, तुम लोग चिल करके बैठो, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे तुम्हारा ही घर है, यहाँ पे तुम्हारा ही महल है ये। पता नहीं है, एक मिनट यार मेरी दोनों कैट यहाँ पे कहाँ चली गई? वेट यहाँ पे साइन लगा है, अगर अपनी कैट चाहिए तो एंड में मिलो। वेट ये एंड में, एक मिनट, ये तो मेरा सिंगल प्लेयर सर्वाइवल वर्ल्ड, इसमें तो कोई आ ही नहीं सकता है। मेरी दोनों कैट यहाँ पे कहाँ गई है? एंड में मिलो और मैं क्यों मिलने जाऊँ? और एक मिनट ये है कौन यहाँ पे? ये तो मेरा सिंगल प्लेयर सर्वाइवल वर्ल्ड है, ये कोई सर्वर नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं खेल सकता है यार। देखो ले बट मेरी कैट की यहाँ पे है यार, क्योंकि वो मेरी दोनों फेवरेट कैट है, क्योंकि इस वर्ल्ड की सबसे पहली वो दो कैट है जिसको मैंने यहाँ पे टेम किया था, फ्रॉस्टी और मारियो। मैं सुबह एंड में मिलने के लिए जा रहा हूँ, मुझे मेरी कैट चाहिए भाई। जिसने भी चुराया होगा मैं खोल दूंगा यार उसको, चाहे वार्डन क्यों चुराएगा वैसे तो। भाई देखो सीधी बात है, मुझे अपनी कैट चाहिए है, और मैं अपनी कैट लेने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ एंड यहाँ पे। अगर मेरी कैट को कुछ हुआ या कुछ भी हुआ, जिसने भी किया होगा ना ये, वो जिंदा नहीं बचेगा मेरे हाथ यहाँ पे। ओके गाइस तो ठीक है, मैं अपने एंड के पास यहाँ पे आ चुका हूँ, और लगभग मेरे रॉकेट खत्म हो गए क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। वैसे तो सिंपल था जाना, और अब पता नहीं मैं वापस यहाँ पे कैसे जाऊंगा। पहले तो मेरी बिल्ली मिल जाए, फिर वापस तो मैं पैदल भी यहाँ से निकल लूंगा। ओके हाँ यहाँ पे पानी डाला है, यहाँ से मुझे नीचे जाना है और मैं सीधा अपने एंड में यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। ओके नाइस, आई थिंक मैं अपने एंड में यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। और चलो फटाफट से मैं यहाँ पे एंड के अंदर चलता हूँ। 3, 2, 1। तो ठीक है गाइस, अभी हम अपने एंड में यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो फटाफट से यहाँ से मैं चलता हूँ, और मेरी बिल्ली आज मिल जाए। अगर मेरी बिल्ली नहीं मिली ना तो मैं उस बंदे को यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पता नहीं मेरी बिल्ली यहाँ पे कहाँ मिलेगी मुझे। यार गाइस मैंने काफी ज्यादा देर से यहाँ पे एंड के पूरे चक्कर मार रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरी बिल्ली तो क्या कोई सबूत वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं मिला है। एक मिनट रुको, वेट, यहाँ पे तो मैंने विदर को मारा था। विदर को मारने के लिए मैंने नीचे यहाँ पे ट्रैप वगैरह बनाया था ना यार, मुझे ध्यान है मैंने यहाँ पे ट्रैप बनाया था विदर को मारने के लिए अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। यहाँ पे वेट, मेरी इन्वेंटरी का सामान, ये चीज मैंने नोटिस, मेरा आर्मर सब कुछ कहाँ गया मेरा? वेट ये कोई ग्लिच हो रहा है, कोई ग्लिच हो गई, मैं अपने वर्ल्ड में जा रहा हूँ वापस। कोई ग्लिच हो गया। वेट ये तो मेरा वर्ल्ड नहीं गया यहाँ पे, ये मैं कहाँ पे आ गया?